एक्सेल का एक खास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखना होगा, ठीक है। अब इसे लिखो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये मंथ्स के नाम है, ठीक है, और दिसंबर तक लिखा हुआ है। वो हमको ये पता करना है कि कौन सा महीना 31 का होता है, कौन सा 28 का होता है, कौन कैसे होता है, ये पता करना है। इसके लिए सबसे पहले इक्वल्स टू लगाना है, यहाँ पे डे डे फॉर्मूला लगाना है, और डे लगा करके यहाँ क्या लगाएंगे, ईओ मंथ, ईओ मंथ, ठीक है। तो ये ईओ मंथ हो गया। अब यहाँ कह रहा है स्टार्ट डेट, तो कहां से स्टार्ट करना है, जनवरी से स्टार्ट करना है, और यहाँ पे क्या लगाना है, एंड लगाना है, और यहाँ वन से स्टार्ट करना है, और यहाँ कॉमा जीरो दे देना है, और जीरो दे करके दोनों ब्रैकेट्स को आपको सिंपली क्लोज करना है। ये देख लीजिए बिल्कुल यही रहेगा, और एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करते हैं तो ये बता रहा है कि जनवरी कितने महीने कितने दिनों का होता है, 31 दिन का, ठीक है। आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो जो जितने दिनों का होता है उसके हिसाब से ये आता चला जाएगा। तो देखिए फरवरी भी बता रहा है कि फरवरी कितने दिन का होता है, 28 दिन का, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला जो है ये काफी काम का है एक्सेल में, ठीक है।